नमस्कार दोस्तों, मैं दरबान सिंह रावत वॉइस ऑफ माउंटेन से, और आज मैं आया हूँ गाजियाबाद में गिरिराज क्रिकेट ग्राउंड में, और ये देवभूमि स्पोर्ट्स महाकोटी फाउंडेशन का 5-9 आउट टूर्नामेंट चलता है, जिसमें कि हमारे सेकंड जो मैच चल रहा है उसमें अपने उत्तराखंड मैजेस्टिक और माउंटेन वॉरियर के बीच चल रहा है। उत्तराखंड वॉरियर ने टॉस जीता और मैजेस्टिक को पहले बल्लेबाजी करने का फैसला दिया, और आज ये गाजियाबाद में बहुत अच्छा जो मौसम भी हो रहा था इसके आपको मैं लाइव ग्राउंड की तरफ दिखाया कि लाइव मैच चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उत्तराखंड मैजेस्टिक जो बहुत अच्छा अभी स्कोर, शुरू में उन्होंने एक विकेट खो दिया था पर उसके बाद दो बैट्समैन जो हैं बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और ये 9 ओवर चलता हुआ आप देख सकते हैं ये टीम, और ये हमारा देवभूमि स्पोर्ट्स महाकोटी फाउंडेशन का जो 5th knockout चल रहा है। और मैं आप सभी टीमों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भाउस ऑफ माउंटेन की तरफ से, क्योंकि इंडियन स्टार में नहीं पूरे उत्तराखंड में भी ये चैनल इस मैच को लाइव कवरेज करके दिखा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। स्पोर्ट्स महाकौतिक फाउंडेशन का 5th knockout टूर्नामेंट चलता हुआ, जिसका आगाज संडे को रविवार को सूरजमल बिहार में मैच हुआ था, और उसके बाद आज दूसरा मुकाबला माउंटेन वॉरियर्स वर्सेस उत्तराखंड मैजेस्टिक की टीम के बीच खेला जा रहा है। टॉस जीता था सुबह माउंटेन वॉरियर्स के टीम कैप्टन ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, और अभी तक वह फैसला सही साबित होता हुआ पहला विकेट गंवा चुके हैं। यहाँ पर थोड़ी सी टीम फील्डिंग में तब्दीली, विकेट कीपर शायद विकेटों के बिल्कुल नजदीक गए हैं, वहां पर पहली स्लिप पर दिनेश बिष्ट मौजूद, वहां पर बैकवर्ड पॉइंट दीपक सकवर सीमा रेखा पर, और एक फील्डर मिड ऑफ पर हेलमेट मंगाया है वहां पर विकेट कीपर ने, और साइड की फील्ड लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर, इसको लेग पर एक फील्डर मौजूद और एक शॉट फाइन लेग पर। तो देवभूमि स्पोर्ट्स महाकौतिक फाउंडेशन का 5th knockout टूर्नामेंट दिल्ली के NCR क्रिकेट ग्राउंडों में चलता हुआ, और बहुत ही शानदार टूर्नामेंट बिल्कुल पत्रिकाओं में आजकल छाया हुआ है, जिस तरीके से देवभूमि स्पोर्ट्स महाकौतिक फाउंडेशन की सारी समिति का बिल्कुल तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, जिस तरीके से पूरे दिन और रात एक करके पूरी मेहनत करते हैं और इस टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं, जिस तरीके से हमारे खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता पहाड़ी क्षेत्रों में, उनको दिल्ली में आकर एक अच्छे अच्छे ग्राउंड उपलब्ध कराते हैं। मिडिल ऑफ स्टंप के गेंद के हल्के हाथों से उसको ड्राइव किया, थोड़ी सी टर्न देखने को जरूर मिलेगी पिच पे, जैसे जैसे सूखे का विकेट तो दूसरी इनिंग में कैच पकड़ा वहां पर, पहला विकेट का पतन, मैजेस्टिक का पहला विकेट गिरा, कोई रन नहीं। और आप देख सकते हैं लाइव, बगैर खाता खोले आप देख सकते हैं गाजियाबाद में गिरिराज क्रिकेट क्लब जो ग्राउंड है, इसमें देवभूमि स्पोर्ट्स महाकोटी फाउंडेशन का 5-9 आउट टूर्नामेंट चलता हुआ, और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा यहाँ पे भी मौसम तो सही है, थोड़ा सा धुंध है पर धुंध इतनी नहीं है कि धूप भी आराम से अच्छी सी खिली हुई है आप देख सकते हैं। और ये मैजेस्टिक की टीम, और इस प्रकार पहले विकेट का पतन, खाता खोलना शेष, विकेटों का खाता जरूर खुल चुका है। तो यहाँ पर जो माउंटेन वॉरियर्स के टीम का महाकोटी फाउंडेशन का ये 5th knockout टूर्नामेंट चलता हुआ, जिसमें 36 पुरुषों की और 4 महिलाओं की टीमें शामिल हैं। तो अभी ये जो ड्रेस दिखाई दे रही है सभी खिलाड़ियों ने जो पहनी है SPG और बॉयज ऑफ माउंटेन की, मीडिया टीम का जितना धन्यवाद करना था वो भी कम होगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सारी टीमों को ये प्रोवाइड करवाई है, और वॉइस ऑफ माउंटेन 2018 से लगातार हमारे बीच में मौजूद है और लगातार अपनी खबरें पूरे देश दुनिया में पहुंचाते हैं, उनके लिए तहे दिल से उनका हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूं। और जो एक ड्रेस उन्होंने प्रोवाइड करवाई है SPG ग्रुप जो स्पॉन्सर के रूप में हमारे बीच लगातार मौजूद रहते हैं, और वॉइस ऑफ फाउंडेशन
वॉइस ऑफ माउंटेन कौन, तो जो लगातार खबरें देते हैं हमें उनका तहे दिल से धन्यवाद कि जो लगातार 2018 से हमारे बीच में रहे हैं और हमारे बीच में लगातार अपडेट सुर्खियों में लाते हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कैच पकड़ा वहां पर, पहला विकेट का पतन। मैजेस्टिक का पहला विकेट गिरा, कोई रन नहीं। और आप देख सकते हैं लाइव, बगैर खाता खोले आप देख सकते हैं गाजियाबाद में गिरिराज क्रिकेट क्लब जो ग्राउंड है, इसमें देवभूमि स्पोर्ट्स महाकोटि फाउंडेशन का 5 और 9 करोड़ टूर्नामेंट चलता हुआ। और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा यहाँ पे भी मौसम तो सही है, थोड़ा सा धुंध है पर धुंध इतनी नहीं है कि धूप भी आराम से अच्छी सी खिली हुई है आप देख सकते हैं। और के हाथों में ये है मैजेस्टिक की टीम के हाथों में, और इस प्रकार पहले विकेट का पतन। खाता खोलना से विकेटों का खाता जरूर खुल चुका है। तो यहाँ पर जो माउंटेन वॉरियर्स की टीम का फाउंडेशन नॉकआउट पांचवा सीजन यूके 11 वर्सेस पहाड़ बॉयज के बीच में ये मैच खेला जा रहा है, जो कि तीसरा मैच है, तीसरा मुकाबला। यूके 11 ने टॉस जीतकर आज क्षेत्र रक्षण का निर्णय लिया था और पहाड़ बॉयज ने निर्धारित 20 ओवर में 211 रन बनाए थे और 212 रन का लक्ष्य का पीछा करती हुई यूके 11 इस समय सातवें ओवर की प्रगति पर 36 रन पे चौथा विकेट खो चुकी है। तो इस समय संकट के बादल यूके 11 के ऊपर अमराते हुए इस एनएसएस क्रिकेट के प्रांगण से। मेरे साथ हैं अमित जुयाल पहाड़ बॉयज से और आज वो मैन ऑफ द मैच बने। जुयाल जी कैसा लग रहा है आज आप पहला मैच जीते हैं और कुछ बताएंगे इस बारे में? मैं बहुत आभारी हूँ अपने कप्तान का और अपने बड़े भाई का जिन्होंने मुझे इस टूर्नामेंट में शामिल किया। और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, बहुत अच्छा खेला जा रहा है मैच, पिच भी अच्छी है, प्लेयर टीम पूरा फैसिलिटी एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। और बताएं आप अपना विवरण बताएं कि आपने कितने रन मारे या मैं राइट आर्म फास्ट बॉलर हूँ, मैंने 3 ओवर डाले, 11 रन दिए, 4 विकेट। बहुत बहुत बधाई आपको देवभूमि स्पोर्ट्स महाकोटि फाउंडेशन से और वॉइस ऑफ माउंटेन की तरफ से, जो कि आपको पूरे दिल्ली एनसीआर नहीं पूरे उत्तराखंड में आपके मैच को लाइव दिखा रहे हैं। मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। दूसरे ग्राउंड में जो मैच चल रहा है पहाड़ बॉयज का और ये तीसरा मैच देवभूमि स्पोर्ट्स महाकोटि फाउंडेशन, आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा यहाँ पे भी मैच चल रहा है और बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ पे टीम का भी। मैन ऑफ द मैच तरुण बिष्ट 68 रन और एक है तरुण बिष्ट जिन्होंने कि 68 रन बनाए और एक ओवर भी किया उन्होंने और एक विकेट लिया। क्या लग रहा है तरुण आपको कि आपने क्या सोचा था कि आप मतलब किस उससे खेली जबकि आपका एक विकेट 0 पे आउट हो गया था, आपने क्या सोचा? कुछ नहीं सोचा था, बस दिमाग में ये था कि अपनी टीम को जितवाना है, पूरा खेलना है, मैच खत्म करना है भाई। और बाकी बॉलर्स ने बहुत अच्छा करा है तो सबका ये मतलब टीम वर्क की वजह से हम जीते, मेरे अकेले की वजह से नहीं। नहीं आपके जो 68 रन बने उसमें मैं देवभूमि स्पोर्ट्स महाकोटि फाउंडेशन की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप पिछले साल भी हमारे साथ इसी टूर्नामेंट में खेले थे, उस साल और इस साल में क्या फ़र्क लग रहा है आपको? फ़र्क ये है कि ग्राउंड बहुत अच्छा मिला हमें इस बारी, पिछली बारी थोड़ा मतलब अनइवन ग्राउंड था, इस बारी थोड़ा मतलब अच्छा ग्राउंड है, इवन ग्राउंड है और फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी है इस बारी। तो क्या कहना चाहेंगे वॉइस ऑफ माउंटेन को जो आपको लाइव पूरे दिल्ली एनसीआर और उत्तराखंड में प्रसारित करता है इस मैच को? बस ये कहना चाहेंगे कि हमें ऐसे सपोर्ट करते रहो, हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। तारीख जाकर टीम का स्कोर यहां पर सब पूरा होता हुआ उत्तराखंड मजिस्ट्रिक का। ये जो टूर्नामेंट के जो मैच खेले जा रहे हैं आज गिरिराज क्रिकेट ग्राउंड में, उसमें जो उत्तराखंड वॉरियर और मैजेस्टिक के बीच में, और हमारे जो स्पॉन्सर है एसपीजे ग्रुप
और वॉइस ऑफ माउंटेन, मैं इन दोनों का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे इस मैच को स्पॉन्सर किया है। और आप देख सकते हैं कि जो टीम खेल रही है उस पर भी हमारा जो एसपीजी लॉजिस्टिक का ही लोगो लगा हुआ है और वॉइस ऑफ माउंटेन का जो लोगो लगा हुआ है, आप देख सकते हैं दोनों खिलाड़ी और जितने भी खिलाड़ी हैं उनके उसमें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ एसपीजी ग्रुप का कि उन्होंने हमें अपना स्पॉन्सर दिया है, 2 साल से कंटिन्यू दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ, और वॉइस ऑफ माउंटेन जो हमारा मीडिया पार्टनर भी है तो वो भी हमें 2019 से जो हमारे जो टूर्नामेंट हमने स्टार्ट किया था उसके लिए उन्होंने अपना मीडिया पार्टनर भी और वॉइस ऑफ माउंटेन ने अपने जो टी शर्टों पे ऐड भी दी हुई है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इन दोनों स्पॉन्सरों का। और आप देख सकते हैं गिरिराज क्रिकेट ग्राउंड गाजियाबाद में जो ये लाइव मैच चल रहा है, ये हमारी मैजेस्टिक की टीम बैठी हुई है और फील्डिंग में हमारी उत्तराखंड वॉरियर आप देख सकते हैं साहब। और मैजेस्टिक की टीम से एक खिलाड़ी ने 50 मार दिए हैं, मैं उसको बहुत बहुत बधाई देता हूं अपने देवभूमि स्पोर्ट्स माकोती फाउंडेशन की तरफ से और वॉइस ऑफ माउंटेन की तरफ से। साथ है उत्तराखंड मैजेस्टिक के कैप्टन नरेंद्र कोटनाला। कोटनाला जी, क्या लगा था जब एक विकेट आपका गिर गया था, उसके बाद आपने क्या सलाह दी अपने बैट्समैन को कि कैसे खेलना है? जैसे कि आपको पता है कि हमारे पहला विकेट मिलने के बाद हमारे वाले कि जो हमारे भविष्य के अच्छे प्लेयर हैं वो इत्तेफाक की बात होती है, कभी कभार बंदा रन नहीं कर पाता है, लेकिन क्या है वो अच्छा प्लेयर है तो अगले में हम लोग ज़्यादा वाले कि कोशिश करेगा कि रन बनाने के लिए। और बाकी लड़कों ने खेड़ी ने जैसे अच्छे रन मार दिए, हमारे प्रवीण उसने अच्छे रन मार दिए, साथ में बॉलिंग हमारा अटैक अच्छा रहा और हमने काफ़ी ओवरऑल हमने बहुत अच्छा किया। कुछ ने बनाए तो तरुण बिष्ट को क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे टीम का एक रीत की हड्डी बोलते हैं, जब हम लोग वो है तो हम लोग को चाहिए कि आगे तक हमारे खेले और हम लोग फाइनल तक जीते। तो आज मतलब जीत की खुशी में कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, जीत जीत तो सब लोग हंसते हैं, लेकिन जब हार होती है जो वो झेली जाती है। तो सबसे पहले तो आप बताइए कि आप 10 प्लेयरों में खेल रहे तो कैसा महसूस किया आपने कि आप विनिंग की तरफ जा सकते हो? ओवरऑल हमारा जो कैमेस्ट अच्छा, हम चाहते थे कि 11 प्लेयर हैं, लेकिन हमारे एक एक प्लेयर ने मतलब कि थोड़ा उसकी तबीयत खराब हो गई, हम सोचे कि 10 प्लेयर खेलेंगे, लेकिन हमारा बॉलिंग अटैक अच्छा था तो हमने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाएं और कम से रन पर हम उनको। तो देवभूमि स्पोर्ट्स महाकौती फाउंडेशन को क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट और कैमेस्ट का, हम लोग इसमें 30 मैच से 34 साल खेल रहा हूँ उसमें, और इसके दो बार मैं सीजन जीत चुका हूँ। और इसमें आगे हम पहले रुकीस टीम में खेलते थे, लेकिन अब हम लोग अब मैंने अपनी टीम बनाई है तो उत्तराखंड वाली सीख से हम सोचेंगे कि इस बार भी हम जीतने की कोशिश करें। और जो चैनल आपको दिल्ली NCR और पूरे उत्तराखंड में प्रसारित करता है आपकी परफॉर्मेंस को, उसके लिए उस चैनल को क्या कहेंगे आप? उसको हम धन्यवाद देंगे और हम चाहेंगे कि हम हमसे आगे तक जुड़े रहें और हम भी उनको सपोर्ट करते रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र भाई, और मैं वॉइस ऑफ माउंटेन और देवभूमि स्पोर्ट्स महाकोथी फाउंडेशन की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। जावा,